In last video, guys, we have already cleared and studied about the characteristics of particles of matter in short. But in this video today, we are going to explain each and every parts and each and every topics of characteristics of पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इस टॉपिक को और इस पॉइंट्स को हमने इसके पहले वाले जो वीडियोस बहुत शॉर्ट में ऐसे बर्ड्स आई व्यू करा था, बट इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि कैसे किसी भी मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बीच में ना स्पेसेस होती है, और इस स्पेसेस को हम लोग इंटर पार्टिकुलर और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं। चलो इसे एक ना एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। क्या करनी है आपको, एक गिलास, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेनी है और उसमें चम्मच को डाल देनी। तो आप क्या देखते हो कि जो वाटर का लेवल है ना, वो बढ़ने लगता है। जैसे कि इस फिगर में देखो, ये वाटर का लेवल यहाँ पे था ना पहले, लेकिन हमने क्या करा, एक स्पून को डाला, तो जो वाटर का लेवल है वो देखो बिल्कुल ऊपर चढ़ गया है ना। पहले देखो ये था वाटर का लेवल, अब वो ऊपर आ गया। और फिर अब क्या करो कि ना इस स्पून को रिमूव करो, अगेन स्पून को रिमूव करो, तो आप देखते हो कि जो वाटर था वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच गया है। जिस स्टेट पे, जिस लेवल पे वाटर था, ये फर्स्ट लेवल है, ये मान लो सेकेंड लेवल है, तो फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और अब क्या करो ना, कुछ चम्मच उसमें शुगर डाल दो। जैसे कि आप देखो सेकेंड फिगर में दिख रहा है ना, हमने क्या करा, कुछ शुगर डाल दिया और अच्छे से उसको स्टायर करा, तो स्टीर करा मतलब अच्छे से उसको थोड़ा सा सेक कर दो, ताकि जो शुगर है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइज जब आप ऐसा करते हो ना, तो जो शुगर है वो स्टार्ट डिसअपीयरिंग, थोड़ी देर के पास शुगर जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, और जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता भी नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले क्या था ना कि आप इसमें स्पून डालते हो तो वाटर का लेवल बढ़ जा रहा है, बट आप क्या करते हो, स्पून की जगह पे शुगर डाल रहे हो, तो जो वाटर का लेवल जहां था, जितना था, उतना ही मेंटेन रह जाता है। वाटर के लेवल में जो है वो बढ़ोतरी नहीं होती है। ऐसा क्यों? शुगर का पार्टिकल्स भी डिसअपीयर हो गया है और जो वाटर का लेवल तो बढ़ा भी नहीं है। गाइस इसके पीछे का जो कारण वो ये है कि अपॉन द डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, द शुगर पार्टिकल्स बीइंग स्मॉलर गेट एडजस्टेड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉरी शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर में जाने के बाद वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, यानी वाटर में घुल गया। और घुलने के बाद शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स और एटम्स हैं, वो वाटर में जो गैप था ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप था, उस गैप में ना चीनी शुगर के जो पार्टिकल्स वो घुसेड़ दिए गए, और इसके वजह से क्या हुआ, वाटर का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसके बीच में जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप्स था, चीनी वहीं पे एडजस्ट हो गया। और जब ऐसा होता कि उसके बीच गैप पे पार्टिकल्स में नहीं घुसे, जैसे कि मान लो आपका जो स्पून था, जब उसे हमने वाटर में डाला, तो ये पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस हैं, वहां पे जा करके ये अपना स्थान नहीं बना पाया, और उसे जो वाटर का लेवल है वो बढ़ गया। बट शुगर के केस में क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो इंटर मॉलिक्यूल जो स्पेसेस है वाटर में, वहां पे जाके वो छिप जाता है, और इसीलिए जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता नहीं है। तो ये हमें बताता है कि जो वाटर है स्पेसेस होती है, स्पेसेस में जो शुगर के पार्टिकल्स हैं एडजस्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होता है, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल हो, या फिर गैसेस मैटर के पार्टिकल हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बाय नाउ यू नो द मैटर इज मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल्स विच हैव गैप्स बिटवीन देम। देखो अभी तक ये चीज तो आप अच्छे से समझ गए हो कि जो भी हमारे पास मैटर है, जिन चीजों को भी हम देख पा रहे हैं, मैटर जो है ना वो बहुत मिनट पार्टिकल्स, मिनट पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं, और उनके बीच में गैप्स होती है। तो अब आपको सोचनी है क्या, जब एक पार्टिकल्स ऐसा भी है, उसके आसपास में बहुत सारे गैप्स भी है, तो क्या ये पार्टिकल्स एक जगह स्थिर रहता होगा? गाइस इसको सोचो ना, पूरे फील्ड में भाई आप दो चार बंदे ही हो, या फिर सिर्फ एक अकेले पर्सन हो जो आप एक रूम में पड़े हुए हो, तो क्या उस रूम में आप एक ही जगह पर स्थिर रहोगे या फिर मूव भी करोगे? तो ऑब्वियसली आप जबकि मन जैसे करेंगे वैसे करोगे, कभी मूव भी करोगे, कभी सो भी जाओगे, कभी बैठ भी जाओगे, या फिर कुछ और भी कर सकते हो। तो उसी तरह से देखो ना, ये जो पार्टिकल्स हैं इस मैटर में, और जब उसके बीच में क्या है, स्पेसेस है, तो भाई वो मूव करता है। चलो इसे एक ना एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ये आपका एक्टिविटी नंबर 7, एंड गाइस यू आर आल्सो इन क्लास 7। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, एक कप ऑफ वाटर लेनी है, और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है वो ब्लू इंक की उसमें डाल देनी है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, सोच के देखो, वाटर लेनी है और उसमें ब्लू इंक को डाल देनी है। आप पेन से भी इंक निकाल सके, उल्टा उसमें डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो नेल पॉलिश या फिर कलर्स वगैरह आते हैं ना, वो भी आप वाटर में डाल सकते हो, थोड़ी सी बूंद, बस थोड़ा सा, एक या दो बूंद। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि जो इंक है ना, वो धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली उस यूनिफॉर्मली उस वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा है, मिक्स होने लगा है, और एंड में देखोगे जो पूरा सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लू हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो आपको स्टीर भी नहीं करनी, आपको हिलाना भी नहीं है, आप चम्मच डाल के उसे चलाने वाले भी नहीं हो, बिल्कुल स्थिर छोड़ देना अनडिस्टर्ब। लेकिन इसके बाद भी देखिए, जो पार्टिकल्स जो ब्लू कलर था ना, वो धीरे धीरे पूरे कलर में, पूरे वाटर सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन एक्चुअली में है क्या गाइस? देखो ऐसा इसलिए होता है बच्चों,
दिस इज बिकॉज वाटर एज वेल एज इंक पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन. ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं जिसके साथ ही इंक जुड़ा, और जो इंक खुद में है उसके जो पार्टिकल्स हैं इंक के, वो भी आपका मोशन में था, और जैसे ही उसको मोशन के लिए जो स्पेसेस, जहां जहां स्पेसेस देखा वाटर के अंदर से होते हुए पूरे वाटर में जो है वो फैल जाता है. और ड्यू टू दिस मोशन, क्योंकि उस पार्टिकल्स के बीच में मोशन है, ब्लू कलर इंक जो है पूरे पूरे बर्तन में जो है वो स्प्रेड हो गया. गाइस इसको ऐसे समझो ना कि सड़क पे एक गड्ढे है, और गड्ढे में ना वो पानी है, कच्चा उचड़ है, और गांव में जाने का बस वही एक रास्ता है. तो जितने लोग जाएंगे वो उसको उसी से होकर के जाना होगा. हर एक के पैर भींगेंगे, हर एक के जो शूज है वो गंदे होंगे, तो जितने भी लोग वहां से आगे जाएंगे हर एक के शूज गंदे रहेंगे ना, भींगे हुए रहेंगे ना. कुछ वैसा ही इसके साथ है, जितने भी पार्टिकल्स हैं जैसे आपके वाटर के हो या फिर ब्लू इंक के हो, उन सबके पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेसेस था और साथ ही साथ उसमें मोशन भी थी. तो जब उसके बीच में मोशन थी तो जो कलर पार्टिकल्स है ब्लू इंक का वो पूरे बर्तन में तो फैल ही जाएगा, है कि नहीं. चलो ये सीन है, आज आपके आपको समझ में आया होगा. आई थिंक एग्जांपल्स भी आपको जो विलेज वाला मैंने दिया आपको समझ में आया होगा. फ्रेंड्स अब डिस्टेंस एक क्वेश्चन है कि ये जो पार्टिकल्स है ना वो मूव क्यों करते हैं, व्हाई डू दिस पार्टिकल्स मूव, ये जो पार्टिकल्स है वो मूव क्यों कर रहे हैं. तो गाइस दिस इज बिकॉज दे पजेस अ काइंड ऑफ एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब में एक एनर्जी होती है जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. दिस एनर्जी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. जब हम किसी भी सॉल्यूशन और किसी मीडियम के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मैटर है उसके पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इसके बीच में इसमें जो पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करती है. और हेंस द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर. और इसी तरह जो पार्टिकल्स के बीच में जब एनर्जी बढ़ जाती है तो उसके बीच में जो मोमेंट है वो भी बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाती है तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है. तो ये थी आपका सेकेंड पॉइंट का फुल एक्सप्लेनेशन. आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लो. चलिए थर्ड एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का, उसे हम लोग देख लेते हैं. और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. इसे समझते हैं, ये आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और सबसे इंपॉर्टेंट. तो गाइस इसे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर. दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखो पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है वो गाइस यहाँ पे लिखी हुई, आप इसे देख सकते हो. देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक मैटर में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है, उन सब के बीच में क्या होती है, उन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जैसा कि आपने क्लासिक्स के फिजिक्स मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा था कि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. तो यहाँ पे इसको ऐसा समझो कि बिना नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हुए ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज है उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. और इस प्रॉपर्टीज के होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ चिपके हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, और एक शेप फॉर्म करते हैं. इसको ऐसा समझो कि जो आपका लिक्विड है उसके बीच में क्या है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उसका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम है, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में है, और उसको जिस बर्तन में डालो जिधर गिराओ जिधर बहाओ वो बह जाती है. लेकिन अब सॉलिड का एग्जांपल लो, सॉलिड में क्या होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत कम होती है, और जो इसके पार्टिकल्स हैं उसके बीच में अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत अधिक होने की वजह से जो सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. इस पॉइंट को एक एक्टिविटी की तरह समझते हैं. ये है हमारा एक्टिविटी नंबर 9, और यहाँ पे हम समझेंगे कैसे एक पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है. फर्स्ट पॉइंट में है कि टेक अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक ले ली है, ट्राई टू ब्रेक इट, उसे तोड़ के देखना है. By it applying a force on it, the block does not break. तो आप उसमें फोर्स लगाओ और तोड़ने का प्रयास करो लेकिन आप उसे तोड़ नहीं पाते हो. The block is made up of particles which do not separate easily. Actually ये जो ब्लॉक्स यानी कि जो वुड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसके बीच में स्पेस कम है और अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए आप तोड़ने का प्रयास करते हो तो वो जल्दी से नहीं टूटता है. जैसे कि आप देखो ये वुडन बॉक्स है और इसे आप क्या करो, ब्रेक करने का प्रयास करो, हाँ से तोड़ने का प्रयास करो तो टूटता नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है. नेक्स्ट है टेक ए चॉक पीस, एक आपको चॉक पीस लेनी है और उस पर भी आपको फोर्स अप्लाई करनी है. फिर आप देखते हो कि जो चॉक है वो आसानी से टू पीसेस में ब्रेक हो जाता है. जैसे कि ये चॉक देखो, ये था आपका चॉक, इसे जब आपने तोड़ने का प्रयास करा तो बहुत ही आसानी से ये टू पीसेस में ब्रेक हो जाता है. अब आपको क्या करनी है, इसके पीछे के रीजन को समझना है कि why does the chalk break into pieces by applying some force by hand. जब आपने चॉक पे फोर्स अप्लाई करा तो ये टूट क्यों जाता है, जबकि आपने सेम प्रोसेस वुडन ब्लॉक के साथ करा, लकड़ी के
पीसेस के साथ करा तो वो टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो चौक में बहुत वीकर था। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर है तो पार्टिकल्स जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कमजोर होती है, वो टूट जाती है। लेकिन जो वुडन ब्लॉक था यहाँ पे चौक के कॉम्पेयर में बहुत ही ज्यादा ये हार्ड थी। इसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत अधिक था, इसीलिए इसे हम लोग तोड़ नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट में कि टेक सम वाटर इन ए टेबल स्पून एंड थ्रो इट अप। आपको क्या करना है, एक चम्मच पे पानी लेनी, इसे हवा में उछालना। इसे चाहो तो अपने हाथ में भी पानी को लेकर के हवा में उछालो। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक गोल गोल ना वाटर की बूंद की तरफ, या फिर जो वाटर है वो एक ना पार्टिकल्स है वो ऐसे गोल गोल और सर्कुलर क्यों हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी टेंडेंसी होती है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड और एक साथ रहे। इसलिए जब वाटर को ऐसे हवा में उछालते तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सर्कुलर और ना वो साथ में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, ये अलग अलग स्फीयर जो है वो वाटर के यहाँ पे बने पड़े। तो ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो आपको बताते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जितने भी मैटर होते हैं उन सब के पार्टिकल्स में एक अट्रैक्शन होती है, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर इसे आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो कैसा बताओ, क्या इस टॉपिक से आप अवेयर हो या नहीं हो? मुझे पता है कि आप इस चीज के बारे में काफी अच्छे से पहले से जान रहे हो। चलिए फिर भी एक बार हम लोग बर्ड्स आई व्यू करते हैं और शॉर्ट में से समझने का प्रयास करते हैं। देखो अभी तक आपने इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में पढ़ चुके हो, पार्टिकल्स के बीच में रैंडम मोशन हो इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया है, और साथ ही साथ आपने एक और चीज सीख लिया है कि देयर आर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स जो है मैटर के उसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है। ये जो थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना पार्टिकल का, उसके वजह से क्या होती है कि जो हमारा मैटर है वो थ्री काइंड्स के होते हैं, जिसमें से पहला आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होती है, देखो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सिर्फ इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान देनी है, तीन में भी तीसरा वाला कम, ये जो दूसरा है ना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस, इन दो चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करनी है। देखो स्पेस बढ़ेगा, ध्यान देना, स्पेस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगी, और अट्रैक्शन घटेगा तो स्पेस बढ़ेगा। तो फर्स्ट में आता है आपका सॉलिड स्टेट, सेकेंड में आता है लिक्विड स्टेट, और थर्ड में आता है आपका गैसियस स्टेट। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपको, मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ आपको पता नहीं चल रही है, तो क्या इसकी इतनी टेंशन क्यों लेना। देखो नहीं यार लिखा तो है, क्या लिखा है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो इस तरह से कह सकते हैं दिस फैक्ट अकाउंट ऑफ थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो कि आपके सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बीच में जो ये जो थ्री प्रॉपर्टीज है ना किसका, मॉलिक्यूल्स का या फिर बोलो पार्टिकल्स का, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसी की वजह से ये थ्री स्टेट्स में पाए जाता है। चलो अब वन बाय वन देखते हैं कैसे ये जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का, उसके वजह से जो हमारा मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और कभी कभी जो हमारा मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में, और हो सकता है कभी कभार वो गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। तो गैसेस फॉर्म वाला बच्चा कहाँ है, देखो इधर है, ये रहा हमारा गैसेस फॉर्म। गाइस ध्यान देना, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिर हम लोग चैप्टर को कर लेंगे फिनिश। अरे नहीं, इसके बाद कुछ और भी है क्या? चलो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो सॉलिड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड के लिए लिखा है कि अ सॉलिड हैज अ डिफरेंट शेप एंड अ डिफरेंट वॉल्यूम। सॉलिड वो मैटर होती है, देखो मैटर का ना एक बेसिकली काइंड है तुम्हारा सॉलिड, तो सॉलिड वो काइंड है मैटर का जिसमें जो शेप्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होते हैं। शेप मतलब कि उसकी आकृति कैसी है, और डिफरेंट वॉल्यूम मतलब वो जिस तरह जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स होती है, ना उसकी क्वांटिटी बढ़ती है ना ही वो घटती है। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड, ये देखो तो इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सब के सब क्या है, वो अपने में आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक होता है, उसके बीच में जो स्पेस है बहुत कम होती है। तो क्या लिखा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस या फिर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, और जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। आपको गाइस बस तीन चीज याद, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो या फिर गैस हो, आपको देखना है कि जो स्पेस है वो स्पेस क्या है, स्पेस कम है या ज्यादा है। बट यहाँ पे सॉलिड केस में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, और जो अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही हाई होती है, और इसीलिए क्या करते हैं आप नहीं
प्लेस में सिर्फ वाइब्रेट करता है। देखो आगे जाकर के ना सॉलिड लिक्विड और गैस में आपको प्रॉपर्टीज को लेकर के कंपैरिजन पढ़ना होता है, वहां पे इन सभी चीजों का यूज करने वाले हो। एग्जाम्स में आपको लिखनी होती है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट द फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सॉलिड और गैसेस, तो आपको यहाँ पे इन सभी चीजों को मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट आपका है लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या होता है कि लिक्विड आपका वो काइंड ऑफ मैटर है जिसमें वॉल्यूम जो है वो तो डिफिनिट होता है लेकिन इसके जो शेप है वो डिफिनिट नहीं होता है। लेकिन लिक्विड के बारे में सोचो, जैसे तेल है, पानी है, दवा है या मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में रहती है उसके बारे में सोचो। ये जो लिक्विड है उसमें क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स है, उसकी जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स है भाई। वो एक लीटर है तो एक ही लीटर होगा, चाहे उसे किसी भी बर्तन पे रखो, चाहे उसको अपने घर पे रखो या फिर छत पे रखो या फिर मेरे घर में भेज दो, लेकिन जो उसकी शेप है ना वो डिफरेंट नहीं होती है। उसका शेप डिफरेंट नहीं है कहने का मतलब, उसे लोटा में रखो तो लोटे का शेप है, ग्लास में रखो तो ग्लास का शेप है, बोतल में रखो तो बोतल का शेप है, और मेरे हाथ में डाल दो तो मेरे हाथ का शेप आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब मैं पता नहीं क्या कह दे रहा हूँ, तो कहने का मतलब जो लिक्विड है उसका शेप जो है वो डिफरेंट नहीं होता है। अच्छा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सोचो जरा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें वो क्या है, सॉलिड के कंपेयर में कम। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड के कंपेयर में क्या है, अधिक। तो स्पेस ज्यादा है इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। और ऐसा होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड का वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, वो अच्छे से टाइटली पैक्ड नहीं होते। टाइटली पैक्ड नहीं होने की वजह से वो एक फिक्स्ड शेप में नहीं होता, वो बहुत लचीला रहता है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होती है, वीकर, एंड इंटरमोलिकुलर जो गैप्स है, स्पेस है, वो होती है लार्जर। और इसलिए जो पार्टिकल्स है उसे बहुत सारी स्पेस मिल जाती है मूव करने के लिए विद इन द बल्क, और इसीलिए जो आपका लिक्विड है वो फ्लो करता है और therefore also called fluids। ध्यान देना ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सामने पूछते हैं इवन बहुत बार, तो आपके एक्सरसाइज में आई थिंक मुझे लगता है तो दिया हुआ होगा ही कि why does liquid flow and it is called fluids। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि why does liquid is called fluids, या फिर जो लिक्विड है वो फ्लो क्यों करता है। तो इसके बस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही आपको देना है कि जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड में बहुत अधिक है, लिक्विड में थोड़ी कम है, और जो स्पेस है लिक्विड में वो क्या है, सॉलिड के कंपेयर में बहुत अधिक है। जो लिक्विड है वो कैसा है, वो फ्लो करता है और उसे हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए है वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल एंड पेट्रोल। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ना एक एक्टिविटी दी हुई, इस एक्टिविटी में देख सकते हो कि जब आपने इस वाटर को एक कप में रखा तो कप के साइज में आ गया, इसे ग्लास में रखा तो ग्लास के शेप में है, और जब इसे वाटर को बोतल में डालते तो बोतल के शेप में आ जाता है। लेकिन जो वाटर का लेवल है, वाटर की जो क्वांटिटी है, वो सब में ऑलमोस्ट सेम रहती है। चलो नेक्स्ट एंड जो थर्ड हमारा काइंड ऑफ मैटर है वो हमारा गैस है, और ये सबसे प्यारा और सबसे फ्री है। देखो क्या लिखा है कि अ गैस हैज नेदर अ डिफिनिट शेप नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम। जो गैस है ना ये बड़ा अटपटा है, ना इसको सॉलिड से मतलब है ना इसे लिक्विड से मतलब है, ये बिल्कुल अलग है और यूनिक है। इसमें जो शेप है वो भी फिक्स नहीं है। ये बचाओ समझो यदि मैटर एक फैमिली है और सॉलिड लिक्विड गैस उसके बच्चे हैं, तो ये जो गैस है सबसे नटखड़ बच्चा है। जो गैस है ना उसकी डिफिनिट शेप नहीं होती है, और जिसका वॉल्यूम है वो भी डिफिनिट नहीं है। मतलब ये कब क्या करेगा, किस रूप में रहेगा, किसी को, सबसे अड़ियल बच्चा जो है वो तुम्हारा गैस ही है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जिससे मिलकर के ये जो आपका गैस बना है, उस पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही फार अपार्ट होती है। फार अपार्ट कहने का मतलब बहुत डिस्टेंस में होती है, दूर दूर में होती है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है, और जो स्पेसेस होती है वो बहुत लार्ज होती है, और इसीलिए जो आपका गैस है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है in any direction that is they can flow। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो आपका गैसेस है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो बोतल में रखी हुई गैस को जैसे आप ढक्कन खोलते हो ना वो बाहर निकल जाती है। कोका कोला का एक बार ना ऐसे अच्छे से सेक करके उसके ढक्कन खोलो, फिर देखना वो गैस के साथ में जो लिक्विड है ना वो भी बाहर निकल जाती है। खाना पकाने वाला जो एलपीजी गैस है उसके एक बार बर्नर को ओपन करो, फिर जो गैस है एकदम बड़बड़ा के बाहर निकलने लगती है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपकी गैसेस होती है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, अट्रैक्शन है ही नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए नहीं रहते। और जो स्पेसेस हैं वो बहुत ग्रेट हाई है, और इसलिए जैसे ही उसको थोड़ा सा मौका मिलता है वो वहां से भागने लगती है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपका एक एक्टिविटी है जो कि आपका है एक्टिविटी नंबर 11, बट एक्टिविटी को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है। कि यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में एयर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सबके सब आपके गैसेस हैं, और इसे जिस कंटेनर में रखो उसी का ये शेप ले लेता है, और इसके जो वॉल्यूम है क्वांटिटी वो भी फिक्स नहीं रहता। उसे प्रेशर ज्यादा प्रेशर से दबाओ तो वॉल्यूम कम, प्रेशर छोड़ दो तो उसका जो वॉल्यूम है वो अपने आप बढ़ जाती है। जैसे ना इसको ऐसे समझो बोतल में रख बलून में रखी हुई हवा है, तो बलून को प्रेस करो तो हवा जो है वो सिकुड़ के सिमट जाएगी, और जब बलून को
ऐसे थोड़ी सी बाहर रख दो, खुले में रख दो, तो बलून जब वो आपका फैल जाता है, खुल जाता है। तो ये है आपका गैस सबसे नटखट बच्चा मैटर का। चलो इस एक्टिविटी को समझते हैं। देखो एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या करनी है, आपको गैस की दो ठो जार लेनी है। बेसिकली आपको दो ठो जार लेनी है, और दोनों जार में क्या करनी है, ब्राउन कलर की कोई गैसेस को डाल देनी है। मान लो ये था आपका कलर गैस, ये आपका एयर है, और इसको क्या करनी है, इसके ऊपर में इसको ऐसे उल्टा देना है। तो जब आप उल्टा करते हो तो फिर आप देखते हो जो ब्राउन कलर की जो गैस है और जो एयर जो कि व्हाइट है यानी कलरलेस है, ये पूरे कंटेनर में फैल जाता है, जो हमें बताता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। यानी कि आपको जब आपने इस बर्तन में रखा तो गैस यही तक सिमट के रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही आपको इसको स्पेस मिल गया ना बाहर निकलने के लिए, तो वो पूरे कंटेनर में जो वो फैल जाता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो आपका एयर है, जो आपका गैसेस है, वो कैसा है, गैसेस जो है वो बिल्कुल आपका कॉम्प्रेसिबल है और वो स्प्रेड हो सकता है यदि उसे स्पेस मिलेगा, है ना। तो इस एक्टिविटी को आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।